कावड़ यात्रा में परिवहन निगम को लगा झटका, 10 दिन में हुआ 1.52 करोड़ का घाटा। कावड़ यात्रा में परिवहन निगम को 1.5 करोड़ रुपए का नुकसान झेलना पड़ा। 10 दिन में 1.52 करोड़ रुपए का राजस्व कम हुआ है। कावड़ यात्रा के दौरान यात्रियों का रोडवेज बसों में सफर कम करना और मार्ग बंद होने से आय पर असर पड़ा है। अब सभी मार्ग खुलने से यात्रियों को राहत मिली है। सहारनपुर परिवहन निगम रीजन में 6 डिपो आते हैं। इनमें सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, खतौली, छुटमलपुर, शामली और गंगोह डिपो शामिल हैं। इन डिपो में 591 रोडवेज बसें संचालित होती हैं। 14 जुलाई से कावड़ यात्रा का आगाज हुआ था, इसके चलते रूट डायवर्जन किया गया था, जिससे कि रोडवेज बसों का लंबा रूट तय करना पड़ा। साथ ही किराए में भी बढ़ोतरी हुई थी। 17 से 26 जुलाई तक परिवहन निगम ने अपनी आय का आकलन किया। 10 दिनों में 6,60,90,000 रुपए राजस्व का लक्ष्य था। निगम को 5,08,66,000 रुपए की आमदनी हुई। परिवहन निगम को 1,52,24,000 रुपए का घाटा झेलना पड़ा। अब निगम इस नुकसान की भरपाई को पूरा करने के लिए बसों को मार्ग पर दौड़ा दिया है। कावड़ यात्रा के दौरान रोडवेज बसों में यात्रियों की संख्या काफी कम रही, जिससे परिवहन निगम को 17 से 26 जुलाई तक 1.52 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। अब सभी बसें अपने अपने मार्गों पर दौड़ने लगी हैं, तो आमदनी में बढ़ोतरी होगी।